गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन. इन दिस लेसन वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट. चैप्टर 3, पार्ट्स ऑफ अ प्लांट मीन्स पौधों के भाग. आई लर्न अबाउट रूट सिस्टम, शूट सिस्टम एंड जर्मिनेशन. लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट ये फर्स्ट पार्ट है, इस में मैं आपको चैप्टर की रीडिंग करवाऊंगी और वर्ड मीनिंग. नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर की एक्सरसाइज सॉल्व कराऊंगी और ये चैप्टर एक बार और रिवीजन करवाऊंगी. ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड. लुक एट द पिक्चर ऑफ अ प्लांट गिवन बिलो. नेम एनी फोर प्लांट पार्ट्स दैट यू हैव लर्न इन योर प्रीवियस क्लास. डियर स्टूडेंट्स, आपने प्रीवियस क्लास में पार्ट्स ऑफ अ प्लांट के बारे में अच्छे से रीडिंग भी किया था और उसकी पिक्चर भी ड्रॉ की थी. तो आपको एक ऐसा ही प्लांट अपनी कॉपी में, साइंस कॉपी में प्लांट को ड्रॉ करना है, उसके पार्ट्स के नेम भी मैंशन करने हैं. यहाँ पे भी नेम मैंशन करने हैं. इट्स योर होमवर्क. जैसे कि लीव्स, फ्रूट, दिस इज स्टम, फ्लावर्स, रूट. तो आपको ऐसे ही को प्यारा सा प्लांट ड्रॉ करना है, उसके यहाँ पे पार्ट्स नेम राइट करने हैं. ओके, प्लांट्स आर अ वंडरफुल गिफ्ट ऑफ नेचर टू ह्यूमन बीइंग्स. वी सी मैनी प्लांट्स अराउंड अस. दे आर ऑफ डिफरेंट साइजेस एंड शेप्स, लाइक वी हैव डिफरेंट बॉडी पार्ट्स. अ प्लांट ऑल्सो हैज डिफरेंट पार्ट्स. लेट अस लर्न मोर अबाउट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट. आप भी बुक वगैरह रीडिंग करते रहिएगा. तो प्लांट्स आर वंडरफुल गिफ्ट ऑफ अ नेचर टू ह्यूमन बींग्स. जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स मीन्स होता है पौधे, वो हम ह्यूमंस लाइफ, ह्यूमंस के लिए मीन्स इंसानों के लिए बहुत ही सुंदर गिफ्ट है. जो किसने दिया है हमें? नेचर ने दिया है, मीन्स प्रकृति ने दिया है. और इसने अगर देखा जाए तो बहुत सारे प्लांट्स हमारे चारों तरफ हैं. इस पृथ्वी पे अलग अलग टाइप के पौधे हैं और उसकी साइज़, उसका शेप, सब कुछ अलग अलग है. और जैसे कि हमारी बॉडी में पार्ट्स ऑफ बॉडी आपने पढ़ा ही होगा, हमारी बॉडी में अलग अलग पार्ट, हैंड, लेग, माउथ, नोज़, इन सब का वर्क अलग अलग है. वैसे ही प्लांट्स होते हैं, उसमें भी लीव सिस्टम, फ्रूट्स, इन सब के भी वर्क अलग अलग होते हैं. तो आज हम लोग इस चैप्टर में उसी के बारे में पूरा स्टडी करेंगे. पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, पौधों के भाग. अ प्लांट इज डिवाइडेड इंटू टू मेजर पार्ट्स, द रूट सिस्टम एंड द शूट सिस्टम. शूट सिस्टम एंड दिस इज रूट सिस्टम. ये आपका इतना पार्ट जो ये सॉइल के ऊपर का भाग होता है, मिट्टी के ऊपर का भाग, उसको बोलते हैं शूट सिस्टम. एंड जो जमीन के, जो सॉइल के, मिट्टी के नीचे का पार्ट होता है, उसको बोलते हैं रूट सिस्टम. द पार्ट ऑफ द प्लांट डैट ग्रोस अबव द ग्राउंड इज कॉल्ड द शूट सिस्टम. द शूट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ स्टम, ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. पौधों, जमीन के जो ऊपर का भाग होता है उसे हम लोग शूट सिस्टम बोलते हैं. और इसमें फ्लावर, लीव, ब्रांच, फ्रूट एंड स्टम, ये सारे भाग आते हैं. और रूट सिस्टम में द पार्ट ऑफ द प्लांट डैट ग्रोज बिलो द ग्राउंड इज कॉल्ड द रूट सिस्टम. द रूट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ रूट्स विच फिक्स प्लांट्स टू द सॉयल. जो जमीन के अंदर का भाग होता है, इसमें एक ही भाग होता है, उसका बोलते हैं रूट. रूट मीन्स होता है जड़. और ये क्या है? जड़, जो मिट्टी को, पेड़, जो प्लांट होता है वो मिट्टी को अच्छे से जकड़े रहता है, पकड़े रहता है, ताकि प्लांट जो है टूटे ना. देयर आर अबाउट 350,000
डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स ऑन द अर्थ, हमारी जो पृथ्वी है उस पर जो है 350,000 तरह के अलग अलग पौधे पाए जाते हैं। रूट, द रूट, रूट मीन्स होता है जड़। इट इज़ द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ अ प्लांट। रूट्स ग्रो डीप इन टू द ग्राउंड। दे ऑल्सो स्प्रेड वाइड अक्रॉस द सॉयल इन सर्च ऑफ वाटर। दे होल्ड द सॉयल पार्टिकल्स एंड फिक्स द प्लांट फैमिली इन टू द सॉयल। देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ रूट्स, टॉप रूट्स एंड फाइबर्स रूट। जो पृथ्वी के, जो जमीन के अंदर का भाग होता है उसे क्या बोलते हैं, जड़ बोलते हैं, और ये जमीन के अंदर ही बढ़ता है। दे ऑल्सो स्प्रेड विच अक्रॉस द सॉयल इन सर्च ऑफ वाटर, और पानी को जो है उससे क्या करता है, ले करके स्टम से होते हुए पूरे प्लांट्स में सप्लाई करता है। इट मीन्स रूट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्लांट। जो रूट होता है वो प्लांट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि रूट से ही प्लांट का क्या होता है, ग्रो होता है, बढ़ता है। और रूट्स मेनली टू टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट है आपका टैप रूट्स एंड फाइबर्स रूट्स। टैप रूट्स, टैप रूट्स मीन्स होता है टॉप रूट्स मीन्स द मुख्य जड़। इट मीन्स इट हैज़ वन मेन रूट विच ग्रोज फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टम इन टू द सॉयल। मैनी स्मॉल रूट्स ग्रो फ्रॉम द मेन रूट। इट इज़ द फर्स्ट रूट डैट अपीयर्स फ्रॉम द सीड। प्लांट सच एज बीन, कैरेट एंड बालसम हैव टॉप रूट्स। मीन्स दिस इज टैप रूट्स, इसमें जो है जड़ें ऐसी फैली होती हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है, कैरेट। कैरेट मीन्स क्या होता है, गाजर। बालसम मीन्स होता है गुल मेहंदी, और बीन मीन्स होता है सेम। ये सब की जड़ें कैसी होती हैं, जो एक ही से ही, एक रूट से ही नीचे की तरफ फैलती हैं, तो इसे टैप रूट बोलेंगे। मतलब मुख्य जड़ से ही एक, यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक ही है ना, इसी से ही फैला हुआ है ना, इसको हम टैप रूट बोलेंगे। एम्फीबोरस रूट, इट इज़ अ बंच ऑफ स्मॉल थिन रूट्स डैट ग्रो फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टम। सम प्लांट्स डैट हैव फिबरस रूट्स आर ग्रास, पैडी एंड वीट। ग्रास मीन्स घास होता है, पैडी मीन्स धान, एंड वीट मीन्स गेहूँ। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे यहीं से ही, जहाँ से स्टार्ट होते हैं यहीं से क्या होता है, बहुत सारी जड़ें फैली हुई हैं। और यहाँ पे क्या था इस रूट में, कि यहाँ पे पहले मेन आई है, उसके बाद थोड़ी थोड़ी ऐसी निकली हुई है। तो ये झुंड के देखा जाए तो छोटे छोटे बंच में होता है, गुच्छे टाइप में होती है इसकी जड़ें फाइबरस की। फिबरस रूट सिस्टम में हैव अप्रिशिएटमेटली 40 मिलियन रूट्स। इसमें जो है देखा जाए तो 40 मिलियन रूट्स होती हैं फाइबर्स, फिबरस में, ओके। फंक्शंस ऑफ रूट्स, जड़ों के कार्य। फंक्शंस में होता है कार्य, मतलब जड़ का क्या काम होता है। रूट्स होल्ड द सॉयल पार्टिकल्स डैट हेल्प द प्लांट्स टू रिमेन फिक्स टू द सॉयल। मिट्टी को जमीन से पकड़े रहने का वर्क कौन करता है, रूट्स करती हैं, ताकि उसके सारे पार्टिकल्स को अच्छे से पकड़े रहते हैं, ताकि प्लांट जो है फिक्स रहे, इधर उधर मूव ना करें। प्लांट्स ऑब्जर्व वाटर, न्यूट्रिशन एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉयल। और जड़ से ही, जड़ ही जो है मिट्टी से क्या क्या वाटर को, न्यूट्रिशन, मिनरल्स, मतलब पौधों के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, वो सारी चीज़ें कहाँ से मिलती है, जड़ से ही मिलती है, और जड़ से ही पूरे प्लांट्स में सप्लाई होता है। सम रूट्स स्टोर फूड। प्लांट्स सच एज रेडिश, कैरेट एंड रूट बीट रूट स्टोर फूड इन देयर बीट रूट्स ऑफ सच प्लांट्स। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो प्लांट, जो जड़ में ही हमारा फूड को स्टोर करते हैं, जैसे कि बीट रूट मीन्स चुकंदर होता है, और कैरेट, गाजर भी। गाजर का हम लोग क्या खाते हैं, रूट ही तो खाते हैं, क्योंकि प्लांट के अंदर होता है। तो कुछ कुछ ऐसे फूड होते हैं जिसकी हम लोग जड़ ही खाते हैं, जैसे कि बीट रूट मीन्स चुकंदर, कैरेट,
रेडिश, रेडिश मीन्स क्या होता है, मूली होती है। द स्टेम, स्टेम मीन्स क्या होता है, तना। द स्टेम फॉर्म्स द मेन पार्ट ऑफ द सूट सिस्टम, इट हेल्प्स टू कीप द प्लांट स्ट्रेट एंड इरेक्ट। स्टम्स कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स, दे आर सॉफ्ट इन यंग प्लांट्स एंड दे बिकम हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग इन बिग प्लांट्स लाइक ट्रीज टू फॉर्म द ट्रंक। द टेंडर स्टम्स आर ग्रीन इन कलर ऑफ द ट्रंक्स आर ब्राउन इन कलर। सम प्लांट्स सच एज मनी प्लांट, वाटरमेलन एंड ग्रेपवाइन हैव वीक स्टम्स, वीक स्टम एंड हार्ड एंड वुडी स्टम। स्टम भी देखा जाए तो मेनली टू टाइप्स के होते हैं, कुछ वीक होती है कुछ स्ट्रांग होती है। जो वीक होती हैं वो स्टम कहलाती हैं, और वही जो है ये देखिए जो यहाँ का ये पार्ट है इस बिग प्लांट का, इसको हम लोग ट्रंक बोलते हैं, तना बोलते हैं। मतलब जो हार्ड प्लांट होते हैं, मतलब बहुत बड़े प्लांट लकड़ी वाले, तो उसको तना बोलते हैं, मीन्स ट्रंक बोलते हैं। दिस इज ट्रंक, टी आर यू एन के, ट्रंक। एंड वीक स्टम जैसे कि आपका ग्रेप वाइन मीन्स होता है अंगूर का पेड़, जो अंगूर का पौधा होता है, मनी प्लांट, वाटरमेलन मीन्स तरबूज, ये सबकी जो स्टम्प होती है बहुत ही वीक होती है, कमज़ोर होती है, जो आसानी से तोड़ सकते हैं। और पौधों को जो सीधा खड़े होने का वर्क कौन करता है, स्ट्रेट एंड इरेक्ट में सीधा खड़ा करने का वर्क स्टम्प ही करता है। तो ये भी स्टम्प भी मेन पार्ट होता है प्लांट का। फंक्शंस ऑफ द स्टम्प, अब स्टम्प की का कार्य क्या होता है, उसका वर्क क्या है। द स्टम कीप्स द प्लांट्स अपराइट एंड गिव्स सपोर्ट टू देम। स्टम जो तना होता है वो पौधों को सीधा खड़े होने में उसकी मदद करता है, उसको सपोर्ट करता है, उसकी सहायता करता है। मतलब इट हैज़ मैनी ब्रांचेस डैट वियर लीव्स बर्ड्स फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। और स्टम में ही जो है क्या होती है, ब्रांचेस होती है, ब्रांचेस निकलती है, लीव्स निकलती है, बर्ड्स मीन्स होता है कलियाँ, कलियाँ निकलती हैं, फ्लावर्स निकलते हैं मीन्स फूल, और फ्रूट्स भी स्टम से ही होते हुए निकलता है। द स्टम कैरीज वाटर, फूड एंड मिनरल्स टू ऑल द अदर पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। जो स्टम होता है, तना होता है, वो जड़ से, रूट से वाटर को लेकर के पूरे प्लांट में सप्लाई करता है, फूड मिनरल्स, मतलब सारे प्लांट्स तक, प्लांट्स के पार्ट तक कौन पहुंचाता है, स्टम्प पहुंचाता है। स्टम्प देखा जाए तो क्या वर्क करता है, जैसे कि आपके फादर वर्क करते हैं पूरी फैमिली के लिए, मनी लाते हैं तो उससे क्या होता है, बहुत सारे सामान आते हैं, वैसे ही स्टम्प होता है कि वो भी जो है क्या करता है, पूरी पूरा वर्क उसी पे रहता है, पूरे प्लांट्स को सब कुछ पहुँचाना। द प्लांट सच एज सुगर केन स्टोर एक्स्ट्रा फूड इन द स्टम्प। स्टम्प ऑफ सम प्लांट्स सच एज पोटैटो एंड जिंजर ग्रो अंडर द सॉइल एंड स्टोर द फूड प्रिपेयर्ड बाय देम। दीज अंडरग्राउंड स्टम्प्स आर ईटन एज फूड। अब कुछ अभी तक जैसे हमने पढ़ा क्या कि रूट्स हम लोग कुछ पौधों के खाते हैं, लेकिन स्टम्प भी ऐसा है जो तना है, हम लोग उसको भी किसी ना किसी कुछ पौधों के रूप में खाते हैं। जैसे कि आपका पोटैटो, पोटैटो मीन्स आलू, आलू क्या है, वो भी तना है, पोटैटो इज अ स्टम्प। जिंजर, अदरक, ये भी ज़मीन के अंदर होता है, इसको भी तना ही बोलते हैं, जिसको हम लोग खाते हैं। सम स्टम्स ऑल्सो स्टोर वाटर फॉर द प्लांट, प्लांट्स सच एज द डेजर्ट कैक्टस हैव थिन फ्लेशी स्टम्स डैट स्टोर वाटर फॉर द प्लांट। अब कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जो तने उसके क्या करते हैं, पानी को स्टोर करके रखते हैं, बचा के रखते हैं। डेजर्ट कैक्टी मीन्स होता है जो रेगिस्तान पे पौधे पाए जाते हैं, जो कटीले होते हैं, वो भी क्या करते हैं, पानी को ऑब्जर्व करके रखते हैं ताकि पौधा सूखे ना। अब लुक एट दिस, सुगर केन, पोटैटो एंड जिंजर। सुगर केन क्या है, इसमें भी क्या होता है, मीठा रस स्टोर रहता है, दिस इज स्टम्प। पोटैटो, ये भी क्या है, स्टम्प है,
एंड जिंजर मीन्स अदरक, दिस इज स्टेम। ओके, द लीफ, लीफ मीन्स होता है पत्ती। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ प्लांट। मोस्ट ऑफ द लीव्स आर ग्रीन इन कलर। दे आर यूजली फ्लैट, बोल्ड एंड थिन। दे वेरी इन शेप्स एंड साइज। जो पत्ती होती है वो प्लांट का सबसे मुख्य भाग होता है और वो हरे रंग का होता है। इसकी पत्तियाँ कुछ पत्तियाँ कैसी होती हैं? फ्लैट मीन्स होता है चपटी, बोर्ड लीव्स के नेम आपको पता है, बनाना लीफ जैसे केले का पत्ता बहुत बड़ा होता है। थिन मीन्स होता है पतला, मतलब कुछ चौड़ी होती हैं, कुछ बड़ी होती हैं, कुछ छोटी होती हैं, उसका आकार और साइज सब अलग अलग होता है। पार्ट्स ऑफ अ लीफ, अब लीव्स के भी तो पार्ट्स होते हैं, आपने लीफ को देखा होगा बीच में जाता है इधर उधर करके। द फ्लैट एंड बोर्ड पार्ट ऑफ अ लीफ इज कॉल्ड द लीफ ब्लेड और द लेमिना। द लाइन विच इज सीन एट द सेंटर ऑफ अ लीफ इज कॉल्ड द मेन वेन और मिडरिब। लुक एट दिस पिक्चर, दिस इज लीव स्टॉक एंड ये जो आपका ये चीज़ है, यहाँ से जो ये स्टेम से जुड़ा होता है उसको लीफ स्टॉक बोलते हैं। और मेन वेन, ये जो मुख्य भाग है, साइड वेन जो ये निकली हुई हैं सिराएं, इसको बोलते हैं साइड वेन। लीफ ब्लेड बोलते हैं इस पार्ट को। ओके, द लाइंस प्रेजेंट ऑन आइदर साइड ऑफ द मेन वेन आर कॉल्ड साइड वेन। द पार्ट डैट कंट्रैक्ट्स द ब्रांच टू द लीफ इज कॉल्ड द लीफ स्टॉक और द पेट्रियोल। जैसा कि मैंने अभी बताया कि जो ये इस कहाँ से जुड़े होते हैं, ब्रांच से जुड़े होते हैं, तो उसे लीव स्टॉक बोलते हैं। ओके, दिस इज मेन लीव, मेन वेन मतलब मुख्य सिरा ये होता है, जो इसको मेन वेन को ही मिडरिब बोलते हैं क्योंकि बीच का पार्ट, मिडरिब होता है जो बीच का भाग हो, मुख्य भाग। फंक्शंस ऑफ द लीव, मतलब पत्ती के कार्य। लीव्स आर कॉल्ड द फूड फैक्ट्री और द किचन ऑफ अ प्लांट बिकॉज दे मेक फूड फॉर द प्लांट। जैसे कि आपके घर में किचन होता है, वो देखा जाए तो आपके घर का मेन पार्ट क्या होता है, किचन होता है, क्योंकि वहीं से हम लोग खाना पीना खाते हैं। हमारे जिंदा रहने का स्रोत क्या है, किचन ही होता है, क्योंकि वहीं से सब कुछ मिलता है। वैसे ही प्लांट्स में भी किचन होता है, और पता है वो किचन क्या होता है, लीव्स को बोलते हैं, क्योंकि लीव्स पे से ही वहाँ पे हम पूरे प्लांट के लिए फूड कहाँ मेक होता है, लीव्स पे। तो फूड फैक्ट्री या किचन किसे बोलेंगे, लीफ को। ओके, फूड फैक्ट्री ऑफ लीफ, भोजन का कारखाना पत्ती को बोलते हैं। ओके, लीव्स हैव अ ग्रीन कलर्ड सब्सटेंस कॉल्ड क्लोरोफिल विच हेल्प्स टू अब्सर्व सनलाइट। जो लीव्स होती है उसमें हरे रंग का जो वर्ण पाया जाता है उसको क्लोरोफिल बोलते हैं। क्लोरोफिल को हिंदी में बोलते हैं पर्णहरिम, क्योंकि ये हरे रंग का होता है और ये सूर्य की रोशनी को क्या करता है, ऑब्जर्व करता है। ग्रीन लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर द पार्ट्स यूजिंग एयर, वाटर एंड सनलाइट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस मींस क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण। मींस जो पौधा अपना भोजन बनाता है उसमें एयर हवा, वाटर मींस पानी और सनलाइट, इन तीनों के प्रेजेंस में ही क्या बनता है, भोजन बनता है, और उसी को क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। देयर आर टीनी ओपनिंग्स ऑन द अंडर साइड ऑफ द लीव्स कॉल्ड स्टोमेटा। दे हेल्प द प्लांट्स टू ब्रीथ। अब स्टोमेटा मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी आपको, लीव्स की जो बैक साइड होती है, जो खुरदरी होती है, वहाँ पे स्टोमेटा पाया जाता है, जो क्या करता है, सांस लेने में, पौधे भी तो ब्रीथिंग करते हैं, सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं,
कि देते हैं प्लांट्स ऑक्सीजन, देते हैं हम लोगों को, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स लेते हैं, तभी तो हम लोग का और प्लांट का जो मेंटेन रखता है ना ब्रीथिंग का, प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स ऑक्सीजन, ये है CO2, CO2 मीन्स होता है कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट्स ये जो है क्या करते हैं, लेते हैं, ठीक है, और ऑक्सीजन हम लोगों को देते हैं, ऑक्सीजन, ओके, ऑक्सीजन हम लोग को देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। सम प्लांट्स सच एज फेनुग्रीक, मेथी, मिंट एंड स्पेनिश स्टोर फूड इन देयर लीव्स, वी ईट लीव्स ऑफ सच प्लांट्स। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो पत्तियों में ही भोजन रहता है, जैसे कि हम लोग साग जो खाते हैं, स्पेनिश मीन्स क्या होता है, पालक होती है, और भी हम लोग बहुत तरीके के साथ खाते हैं, तो उसके लीव्स ही तो खाते हैं, तो मतलब फूड जो उसका लीव्स में ही स्टोर रहता है। मेथी हो गया आपका, मिंट मीन्स पुदीना, तो हम लोग इसको लीव्स के रूप में खाते हैं। फ्लावर्स, फ्लावर्स मीन्स क्या होता है, फूल, मोस्ट प्लांट्स वियर फ्लावर्स, दे वेरी इन कलर शेप साइज एंड स्मेल, फ्लावर्स ब्लॉसम फ्रॉम बड्स, दे मे बी सिंगल और अपीयर इन बंचेस। जो पौधे हो, जो पौधों के फूल वाला जो भाग होता है, जैसे कि उसका कलर, उसका आकार, उसका प्रकार, उसकी स्मेल मीन्स उसकी महक, सब कुछ अलग अलग होती है, अलग अलग पौधों की अलग अलग होती है। और फ्लावर कैसे बनता है, बड से, मीन्स कलियों से ही फ्लावर खिलता है, और उसका आकार, और कुछ फ्लावर सिंगल होते हैं ना, और कुछ क्या होते हैं, गुच्छे में होते हैं, जैसे कि आपका कौन सा, बालसम, गुल मेहंदी हो गया, गुच्छे में रहता है, और आपका हिबिस्कस, मैरीगोल्ड, ये सब कैसे रहते हैं, सिंगल फ्लावर रहते हैं, ओके। फंक्शंस ऑफ फ्लावर्स, फूलों के कार्य, मोस्ट फ्लावर्स बिकम फ्रूट्स विच कंटेन वन और मोर सीड्स, द सीड्स हेल्प द प्लांट्स टू रिप्रोड्यूस, कलीफ्लावर एंड ब्रोंकली आर एग्जाम्पल ऑफ सम फ्लावर्स डैट वी ईट। अब हम लोग जैसे कुछ प्लांट्स के रूट, स्टम, लीव्स खाते हैं, वैसे कुछ प्लांट्स के क्या हम लोग खाते हैं, फ्लावर भी, जैसे कि कलीफ्लावर, फूल गोभी, ब्रोंकली हो गया, ये सब हम लोग फूल के रूप में हम लोग यूज़ करते हैं खाने के लिए, और कुछ प्लांट्स की उसके सीड से नए पौधे बन जाते हैं। डू यू नो एवरीवन, द प्लांट रफलेसिया हैज़ द लार्जेस्ट फ्लावर इन द वर्ल्ड। रफलेसिया एक ऐसा पौधा है, फूल है, जो पूरे संसार में सबसे बड़ा फूल होता है, इतना बड़ा होता है कि आप उसे उठा भी नहीं सकते हो। उस फ्लावर का क्या नाम है, रफलेसिया। फ्रूट्स एंड सीड्स, फल और बीज, मैनी प्लांट्स वियर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्रूट्स, मोस्ट फ्रूट्स हैव सीड्स इन देम, सम फ्रूट्स हैव ओनली वन सीड, विच सम हैव मैनी सीड्स, फॉर एग्जाम्पल अ वाटरमेलन हैज मैनी सीड्स, एन ऑरेंज सम फ्यू सीड्स, वेयर आर अ मैंगो हैज ओनली वन सीड्स, न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स, अ सीड्स हैज अ बेबी प्लांट इन साइड इट विच ग्रोज इन टू अ न्यू प्लांट। कुछ ऐसे पौधे फल होते हैं जिसमें बहुत सारे बीज पाए जाते हैं, जैसे कि वाटरमेलन, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिसमें कुछ ही थोड़े बहुत बीज पाए जाते हैं, जैसे कि आपका संतरा हो गया, ऑरेंज, और कुछ ऐसे प्लांट्स जिसमें ओनली वन सीड होती है, जैसे कि आपका मैंगो, ओके, वाटरमेलन विद मैनी सीड्स, तरबूज में बहुत सारे बीज होते हैं कि खाते जाओ निकालते जाओ, और मैंगो में ओनली वन सीड, ओके, और सीड से ही जो बीज होता है उससे ही न्यू प्लांट्स का बॉर्न होता है, जन्म होता है। फंक्शंस ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स, फल और बीज के कार्य, वी ईट फ्रूट्स ऑफ मैनी प्लांट्स एज दे आर फ्रेश, जूसी एंड टेस्टी, वी ईट सम सीड्स सच एज बीन, कॉर्न एंड राइस एज आवर फूड, वी ऑल्सो ईट सम सीड्स सच एज पेपर एंड क्यूमिन एज स्पाइसेस।
सीड स्टोर्ड फूड फॉर द बेबी प्लांट। अब जो सीड्स होता है, कुछ सीड्स क्या होते हैं, बहुत ही जो फ्रूट्स होते हैं वो ताजे और जूसी रसीले स्वादिष्ट होते हैं। जो फल होते हैं, सारे फल कैसे होते हैं, स्वादिष्ट रसीले होते हैं ना। और कुछ हम लोग सीड्स को भी खाते हैं, जैसे कि बीन, सेम, कॉर्न, भुट्टा हो गया आपका, चावल, ये सब हम लोग बीज के रूप में खाते हैं। और मसा जैसे पेपर, काली मिर्च, क्यूमिन, जीरा, ये सब का स्पाइसेस मसालों के रूप में भी उसका हम लोग सीड्स का यूज़ करते हैं। और सीड से ही नए पौधे बनते हैं। हु एम आई, मैं कौन हूँ। आई होल्ड द प्लांट फ्रेमली इन टू द सेल। जड़ को मैं बहुत तेज़ी से पकड़े रहता हूँ दृढ़तापूर्वक। दिस इज रूट। आई हेल्प द प्लांट टू स्टैंड अपराइट। प्लांट्स को सीधा खड़े होने में मैं मदद करता हूँ। हु एम आई, आई एम स्टम। आई एम ऑल्सो कॉल्ड द किचन ऑफ द प्लांट। दिस इज लीफ। मैं प्लांट का, पौधे का किचन हूँ, रसोई हूँ। हु एम आई, आई एम लीव, पत्ती। आई एम फाउंड इन साइड द फ्रूट्स। मैं पौधों के अंदर मिलता हूँ। दिस इज सीड। सीड मीन्स बीज। जर्मिनेशन मीन्स होता है अंकुरण। मोस्ट प्लांट्स ग्रो फ्रॉम द सीड्स। वेन अ सीड इज बेरीड इन टू द सॉइल, द बेबी प्लांट इन साइड इट स्टार्ट्स ग्रोइंग इन टू अ न्यू प्लांट। वेन इट गेट्स द राइट अमाउंट ऑफ वाटर, सनलाइट और एयर। जो नए पौधे होते हैं, ज़्यादातर क्या होते निकल कहाँ से निकलते हैं, सीड से ही, बीज से ही उगते हैं। और बीज, जो बीज से पौधे निकलते हैं, उनको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, सनलाइट, वाटर, एयर। इसके प्रेजेंस में वो नए पेड़ का निर्माण होता है, नए पौधे का। द प्रोसेस ऑफ द अर्थ सॉरी द प्रोसेस ऑफ द ग्रोथ ऑफ अ न्यू प्लांट फ्रॉम अ सीड इज कॉल्ड जर्मिनेशन। जो ये जो पानी, सूर्य के प्रकाश और हवा के प्रेजेंस में नए पौधे बनते हैं, इस पूरे प्रोसेस को नए बी को क्या बोलते हैं, जर्मिनेशन, अंकुरण बोलते हैं। लुक एट दिस फर्स्ट पिक्चर इज, ये क्या है, बीज है, इसको मिट्टी में डाल दिया गया। फिर ये देखिए, इससे जड़ें निकली, जड़ से फिर इसकी स्टेम, फिर स्टेम से इसकी बड्स, और फिर ये न्यू प्लांट। ओके, ये क्या, ये प्रोसेस क्या है, जर्मिनेशन ऑफ अ बीन सीड। आप भी, अब मैंगो का सीज़न आ रहा है, या कोई भी सीड लेके आप लोग मिट्टी में ऐसे डालिएगा, देखिएगा न्यू प्लांट बहुत उगते हैं कि नहीं। ओके, वर्ड मीनिंग ऑफ दिस चैप्टर। फर्स्ट, सबसे पहले आप चैप्टर के नेम मेंशन करेंगे, पार्ट्स ऑफ अ प्लांट एंड लेसन नंबर 2। वर्ड एसेंट मीनिंग। लैमिना, लैमिना मीन्स होता है परत। मिडरिप, मध्यशिरा जो लीव्स में पाई जाती है। क्लोरोफिल, पर्ण हरिम। फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। फोटोसिंथेसिस की स्पेलिंग लर्न करना बहुत ईजी है। पहले फोटो की लर्न करें, PHOTO, फोटो, SYN, सिन, THE को अगर हम लोग अलग कर दें तो द पढ़ेंगे, SIS, सिस, PHOTO, SYS, SYN, THESIS, फोटोसिंथेसिस मीन्स प्रकाश संश्लेषण। जर्मिनेशन मीन्स अंकुरण। बॉल्सम, गुल मेहंदी। फेन्युग्रीक, मेथी। टॉप रूट, मुख्य जड़। फिब्रस रूट, तंतुमय मूल। मूल और जड़ एक ही होता है, ये इसकी क्या है, पर्यायवाची, चाहे आप जड़ बोलिए चाहे मूल बोलिए, दोनों का एक ही मीनिंग होता है। बंच मीन्स होता है गुच्छा। ओके, आपको ये पूरी वर्ड मीनिंग कॉपी में राइट करनी है। और पार्ट ऑफ अ प्लांट, एक प्लांट ड्रॉ करना है और क्या करना है, उसकी पिक्चर ड्रॉ करके उसके पार्ट्स ऑफ प्लांट नेम आप राइट करेंगे। ओके, इट्स योर होमवर्क। थैंक यू।